गोंडवाना नगर और भावर क्षेत्र को जोड़ने वाले मालन नदी के पुल बीच से टूटकर गिर गया। सूत्रों की माने तो इस पुल के नीचे बीते काफी समय से लगातार अवैध खनन चल रहा था। इस पुल की मरम्मत को लेकर कोटद्वार के स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खुंडूरी ने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया, हालांकि कोई भी एक्शन शासन की तरफ से नहीं लिया गया। देखिए, जिलाधिकारी के द्वारा मुझे बताया गया है कि मालन नदी के पुल का एक पोर्शन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि आवागमन जो रुक गया है उसमें। तो मैंने डीएम साहब को कहा है कि एक डिटेल रिपोर्ट उसको इंस्पेक्शन करवा के भेज दें, जिससे उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ENC को मैंने कहा है कि वो देख लें कितना पोर्शन उसका ब्रीच हुआ है, जिससे कि अगर वैली ब्रिज लगाना है या कोई और व्यवस्था करनी, ऑल्टरनेटिव कुछ अरेंजमेंट करना है, क्योंकि बारिश हो रही है, वो तत्काल किया जा सके, पब्लिक को असुविधा न हो, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है जांच करना है या जो और भी चीज़।